किसान आंदोलन का असर अब जिला में भी देखने को मिल रहा है। हमीरपुर जिला में अन्य राज्यों से आने वाले फलों के साथ टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है। हमीरपुर में सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कुछ दिन पूर्व तक बिकने वाले टमाटर में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं प्याज के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं, जिसके कारण ग्राहक भी कम ही सब्जी व फल खरीद रहे हैं। बाहरी राज्यों से वाहन आवाजाही कम होने के कारण फलों के रेटों में भी 5 से 10 रुपए ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हमीरपुर के लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण अन्य राज्यों से आने वाले सामान में कमी होने के चलते दामों में बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसका असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ रहा है। सब्जी विक्रेता पारस ने बताया कि बीते कुछ दिनों से बाहरी राज्यों से आने वाले सब्जी के रेट बढ़ गए हैं और ज्यादा असर टमाटर व प्याज के दामों में हुआ है, क्योंकि जिला में अन्य सब्जियों की पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि टमाटर के दाम 2 दिनों में 10 रुपए तक बढ़े हैं और इनके और अधिक बढ़ने का अंदेशा है। आज तो सर 1100 रुपए की रेट आ रही है सर, महंगा हो गया इसलिए आ नहीं रहा है। और जो सब्जियां हैं अपनी देसी हैं उसके रेट ठीक हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, इनके रेट बढ़े हुए हैं। प्याज बिक रहा है 60 रुपए के जी, आलू बिक रहा है 40-45 और टमाटर 60 रुपए बिक रहे हैं। ये 2-4 दिन से रेट इसके बढ़ गए सर। जैसे सर टमाटर बीच में हो गया सर 750 रुपए की रेट होगी, 40 रुपए भी बिक गया बीच में। अब सर बीच में ये टमाटर 2 दिन से सर महंगा हो गया, ये 60 रुपए बिक रहा है, 50 भी बेचना पड़ रहा है, टमाटर खराब भी निकल आता है उसमें। वहीं हर दिन सब्जी की दुकान लगाने वाले दिनेश ने बताया कि दामों में वृद्धि का असर ग्राहकी पर भी पड़ रहा है और लोग सब्जी के दामों को पूछ कर चले जा रहे हैं। उन्होंने माना कि पंजाब से आने वाली गाड़ियों में कमी के कारण भाव बढ़ रहे हैं। बोलते हैं कि टमाटर 60 कैसे हो गया कि 50 कैसे हो गया, पीछे से 600 की आ रही रेट तो हमने 40 बेचा, फिर 700 की होगी तो हमने 50 भी कर दिया, 50 करना पड़ा, मतलब 1000 रुपए की रेट हो गई टमाटर की। क्या करना चाहिए बताओ, कस्टमर तो हमारे को तंग कर रहे हैं कि मूलियां हैं चलो ये सस्ती है सब्जी, आलू कैसे 50 हो गया, 50-40 चल रहा है, मतलब 1000 रुपये 1200 रुपये 2200 रुपये की बोरी दे रहे थे पहले। प्याज भी महंगा हो गया है, प्याज 55 रुपये, हरी मिर्ची फ्री में मांगते हैं, 1000 रुपये की मिर्ची आती है, क्या करना। सप्लाई पे फर्क तो नहीं पड़ा कुछ सब्जी पे, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। सुबह से अभी कितने 100-150 रुपये बट्टे हैं, बैठे हैं मजे से बस, क्या करना। सरकार से कोई मांग रही है? सरकार से यही मांग है कि थोड़ी बहुत किसान लोगों की मदद करे, और क्या है। ग्राहक रेट पूछ के चला जाता है, बोलता है ऊपर मार्केट में जा रहे हैं कि चला जाते हैं, सुबह से 100-150 रुपए बट्टे, वही बात और क्या बात है, बस रेट पूछो निकल जाता है वो। फल विक्रेता जुगनू ने कहा कि प्रदेश में फलों की अधिकतर सप्लाई दिल्ली से की जाती है और आवाजाही बंद होने के चलते दामों में बढ़ोतरी के साथ साथ गाड़ियां भी नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले ही व्यापार मंदा चल रहा था और अब आंदोलन के कारण असर पड़ रहा है। कमी आई है क्योंकि 90% जो फ्रूट्स वगैरह हैं सारे दिल्ली से सप्लाई होती है ये, और इसमें सारा जो गाड़ियां वगैरह जो बंद है इस टाइम क्योंकि रोड बंद है, वहां से गाड़ी कोई नहीं आ रही है। 90% फ्रूट जो दिल्ली से आते हैं इसलिए वो उसमें फ्रूट महंगे भी हुए हैं और सप्लाई भी कम हुई है उसमें। रेट में तो वृद्धि कमी तो थोड़ा बहुत ही हुई, ज़्यादा नहीं हुई है, किसी चीज़ में 5 कम हुए किसी में बढ़े हैं, बस ऐसे ही है, बाकी नॉर्मली चला है। लोग इस टाइम फ्रूट सर्दी में थोड़ा सा कम होता है ग्रेज खाने के लिए भी, और इस टाइम जो है कोरोना की वजह से भी थोड़ी मार्केट मंदी चल रही है, इसमें बहुत फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से भी, कोई स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, इस वजह से मार्केट डाउन है। वहीं फल खरीदने आए नरोत्तम आर्य ने कहा कि फलों की सप्लाई कम होने के चलते ताजा फल बाजार में कम ही देखने को मिल रहा है और दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ फ्रेश मिल जाए, मैं अभी मेरे को ये लग रहा है कि फ्रूट रेगुलर नहीं आ रहा है इनका, कोई एकदम फ्रेश मिल नहीं रहा है मार्केट में, फिर भी जो जरूरत की चीज है वो लेके जानी ही पड़नी है, तो सेब वगैरह देख रहा हूँ या केले या सेब ताज़े मिल जाएँ वो लेके जा रहा हूँ। रेट बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोविड की वजह से इफ़ेक्ट तो हुआ है, तो कुछ आइटमों के रेट पहले से 5-7-10 रुपए ऊपर लग रहे हैं, तो आइटम आ नहीं रहा है सप्लाई, ये बोल रहे हैं जैसा ये बोल रहे हैं दुकानदार, बोल रहे हैं कि रेगुलर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि 5-7 रुपए ऊपर मिल रहा है।